केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की ली बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज शनिवार को महाराजगंज जिला अस्पताल को अपने सांसद निधि से निर्धारित 250 KPM ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वयक निगरानी समिति की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंकज चौधरी ने केंद्र में मोदी सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। किसान बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की जय कल्याणकारी और विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाने की दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पंकज चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, उस परेशानी को देखते हुए सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्य शुरू की गई थी। इस ऑक्सीजन प्लांट से महाराजगंज जिला अस्पताल में लगभग सौ बेड ऑक्सीजन युक्त हुए हो गए हैं। अब अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो महाराजगंज जनपद महामारी से लड़ने में काफ़ी सक्षम होगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी योजनाएं अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो, इसके लिए भी समीक्षा की जा रही है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।